देखिए अमेजिंग क्वेश्चन लिखा है, बहुत कम क्वेश्चंस पे ऐसा लिखा जाता है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू देयर? ऑनलाइन जी सर। देखिए यहाँ देखिए, अरे अरे बाब बस करो भाई, झगड़ना नहीं है। यहाँ ये जरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हाँ जी मैं यही बात कर रहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दिस इम्प्लाइज, अब देखो ना यहाँ रैंक ऑफ ए बाई बी, अगर आपने इधर भी एक्लन फॉर्म लगाने की कोशिश की, एवरीवन इसकी हेल्प से सब जीरो बनाने लग गए, तो भी वो एंड में जाके ए और बी उलझ गया, उसे कुछ मिल नहीं रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि बस क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। तो दूसरे तरीके से देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बाई बी, तो रैंक ऑफ ए के बराबर ही होना चाहिए, लेकिन किससे लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स दैट इज थ्री। सो दिस इंप्लाइज ए को पकड़ो पहले, रैंक ऑफ ए इज लेस देन थ्री, तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, यानी वहां से स्मॉल ए आएगा, आएगा कम से कम यहाँ बताइए स्मॉल ए कितना आएगा, ये आपका स्टेप वन हो गया एक तरह से। पता लग रहा है किसी ने भी ऐसा नहीं किया, क्या करके आएंगे एग्जाम में, कोई बात नहीं, जो कराया जा रहा है वही कर लीजिए, वो भी बहुत है। एट माइनस वन टू ए माइनस वन ए माइनस फोर, भाई ये ठीक है, देखो देखो, सो दिस इज सेवन क्या है, सेवन नाइन माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस ए, हाँ जी ये जीरो कब होगा, तो ये माइनस थ्री आएगा, हेलो ये आ गया माइनस थ्री, अब क्या करें, अरे पहले ये वैल्यू यहाँ पुट करो भैया, ये क्लियर हो गया आपको, जो कुछ आ ही नहीं रहा था पहले, अब देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं, तो दिस इज सेम एज वन माइनस थ्री, माइनस थ्री वन, वन टू फोर वन माइनस बी थ्री वन टू बी प्लस टू, अब क्या करेंगे, अब वही पुराना एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म, अब भाई अब पीछे नहीं हट सकते, बहुत आगे बढ़ गए हैं, जीरो जीरो दुगना माइनस करना पड़ेगा, टू माइनस टू इज फाइन, फोर प्लस सिक्स कितना होता है भाई, टेन, फोर प्लस सिक्स टेन, वन माइनस टू इज माइनस वन, अरे यहाँ माइनस बी माइनस टू, थ्री टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, वन प्लस थ्री, लो भाई टेन आ गए यहाँ, तो अब समझ गए उसकी हेल्प से वो जीरो होने वाला है, फिर यहाँ भी थ्री टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, लीजिए खुशी मनाइए, सो दिस इज बी प्लस टू माइनस थ्री, दैट इज बी माइनस वन, जी एक्लन फॉर्म आपकी लाइफ बर्बाद करने चला आया है, ये हो गया, इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना है, आई थिंक मुझे तो ऑपरेशन मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, सेकेंड रो से सॉरी थर्ड रो में से सेकेंड घटाना है खाली, हेलो है कोई साथ देने वाला, जीरो टेन माइनस वन माइनस बी माइनस टू, सिंपली माइनस कर दीजिए, जीरो जीरो जीरो, एंड ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, बी माइनस वन प्लस बी प्लस टू, इट इज टू बी प्लस वन, चेक कर सकते हैं आप सभी लोग, ये स्टेप आपको क्लियर हो गया, इधर ध्यान लगाओ यार, तुम्हारे लिए तो हो रहा है, बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड प्लीज, आईज ऑन द बोर्ड, करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं, पर अब असली चीज लिखने जा रहे हैं हम, ये और ये, इससे ये तो पता लग गया आपको कि भाई रैंक ऑफ ए जो है वो दो है, और साथ में ये क्या लिखा है, इनफिनिट सॉल्यूशंस का मतलब बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज कौन किसके बराबर होना चाहिए, तो ये दो होना चाहिए ना, अगर ये लास्ट वाला नॉन जीरो हो गया तो कबाड़ा नहीं हो जाएगा, देखो तो सही, देखो देखो, इसलिए तो बोला था अमेजिंग क्वेश्चन, अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो गई तो रैंक ऑफ ए बाई बी विल बिकम थ्री, थ्री,
तो इन ऑर्डर टू गेट रैंक ऑफ ए बाई बी एस टू क्या होना चाहिए, लास्ट वाला जीरो होना चाहिए। देख लीजिए, आपको रैंक नहीं पता, नहीं पता तो जाइए, क्या कर सकते हैं फिर। तो दिस इम्प्लाइज, बोलिए क्या लिखना है यहाँ पे, टू बी प्लस वन इज जीरो, तो वॉट इज बी, आंसर निकालिए आप सही सही। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था।